आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। बॉलीवुड में अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 की जबरदस्त कमाई से सभी को हैरान करने वाले बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने वाले हैं और भूल भुलैया 3 से सभी को हैरान करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फिल्म भूल भुलैया 3 एक ऐसी फिल्म है जो कि कार्तिक आर्यन के करियर की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म है। जी हां, फिल्म भूल भुलैया 2 की बड़ी सफलता के बाद इनके फैंस फिल्म भूल भुलैया 3 का इंतजार काफी ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। इसी बीच कार्तिक आर्यन ने फिल्म पर काफी बड़ी बात कह दी। जी उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, ये फिल्म फुल ऑफ दिवाली पैकेज होने वाली। जी हां, दिवाली पर यह फिल्म सभी का दिल जीतते हुए सबका काफी जबरदस्त मनोरंजन करने वाली है और यह फिल्म एक प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली जो कि सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं इस फिल्म में विद्या बालन के साथ काम करके काफी ज्यादा खुश हूं। जी हां, मुझे इस फिल्म से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर बात करें फिल्म के हाइप के बारे में तो फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पर काफी अच्छा खासा देखा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म को बुक माई शो पे लगभग 13,300 इंटरेस्ट मिल चुके हैं। और अगर बात करें फिल्म की शूटिंग के बारे में तो साथ ही कार्तिक आर्यन ने यह भी बता दिया कि फिल्म की शूटिंग अंतिम चरण पर चल रही है। जी हाँ, इसी महीने फिल्म की शूटिंग को पूरी तरीके से कम्प्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी काफी जल्दी खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि फिल्म को इसी साल रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, फिल्म को दिवाली 2024 पर रिलीज करने की तैयारी चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली पर फिल्म आते ही तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।